लेक बोडम। कहानी की शुरुआत में हम बोडम नाम के एक लेक को देखते हैं जहां दो लड़कियां मस्ती करते हुए नहा रही होती हैं। दूसरी ओर लेक के किनारे पर हम एक आदमी को भी देखते हैं जो अपने चाकू पर धार लगा रहा था, और धार लगाने के बाद वो आदमी उन दोनों लड़कियों को बहुत बेरहमी से मार देता है। इसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एटे और एलियस नाम के दो दोस्तों को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ एटे के बाद उसे पता चलता है कि उसे क्राइम सीन और हॉरर मिस्ट्री चीजों के बारे में जानने का बहुत ही शौक है, इसीलिए वो एलियस से लेक बोडम में हुए दो लड़कियों की मिस्टीरियस मर्डर के बारे में बात करके लड़कियों की मर्डर के बारे में बताता है। साथ ही वो एलियस से लेक बोडम पर चलने के लिए भी कहता है क्योंकि एटे को लगता है कि वो किलर अभी भी वहीं रहता होगा। अब क्योंकि एलियस एक डेयरिंग लड़का है इसीलिए वो एटे के साथ लेक पर चलने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ इडा मारिया नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। तभी मारिया के फादर मारिया पर गुस्सा होकर उसे भला बुरा कहने लगते हैं। असल में मारिया का किसी ने न्यूड फोटो वायरल कर दिया था जिस कारण उसकी फैमिली की बहुत बदनामी हो रही थी, इसीलिए मारिया के फादर बहुत परेशान रहने लगे और मारिया को हमेशा बुरा भला कहने लगे थे। साथ ही वो अब मारिया को घर से कहीं भी बाहर जाने नहीं देते थे। इसके बाद प्रेजेंट में हम मारिया के घर में उसकी फ्रेंड नोरा को देखते हैं। वो मारिया को पुरानी बातें भूलकर अच्छे से लाइफ जीने की सलाह दे रही थी। यहाँ मारिया भी एटे और एलियस के साथ लेक बोडम जाने वाली थी और वो मारिया को अपने साथ पिकनिक पर चलने के लिए बुलाने आई होती है। असल में मारिया, नोरा, एटे और एलियस क्लासमेट्स हैं। इसके बाद हम मारिया के घर के बाहर एटे और एलियस को देखते हैं जो कि मारिया और नोरा का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ एटे एलियस को बताता है कि मारिया के फादर ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि वो मारिया के हुए वायरल फोटो के कारण बहुत परेशान थे और वो बदनामी सहन ना कर सके। साथ ही बताता है कि मारिया 6 महीने से घर से बाहर नहीं निकली है, इसीलिए वो उसे लेक ले जाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वहाँ नोरा और मारिया आ जाते हैं और चारों लेक बोडम के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि लेक पर जाने का रास्ता एक जंजीर से बंद है। असल में पुलिस ने दोनों लड़कियों की मर्डर के बाद से उस लेक पर लोगों का जाना बंद कर दिया था, लेकिन एटे एलियस से वो जंजीर तोड़ने का कहता है और वो सभी जंजीर तोड़कर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। इसके बाद सभी लेक के पास पहुँच जाते हैं और टेंट लगाने लगते हैं। इसके बाद रात में एलियस और नोरा स्मोक और ड्रिंक करने लगती है और मस्ती करते हुए लेक में नहाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर एटे और मारिया आग के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ एटे मारिया को यहाँ हुए मर्डर्स के बारे में बता रहा होता है। इस पर मारिया कहती है कि उसने भी इस मर्डर केस के बारे में सुना था। इसी दौरान एलियस और नोरा भी लेक से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद एटे सबको बताता है कि उसने किलर के बारे में कुछ रिसर्च की है। इसके अकॉर्डिंग उसे लगता है कि किलर इसी जंगल में रहता है और इस जंगल को अपना घर समझता है। साथ ही बताता है कि जैसे उन्हें अपने घर में किसी अनजान इंसान का आना अच्छा नहीं लगता, ठीक वैसे ही उस किलर को भी इस जंगल में आने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, इसीलिए वो लोगों पर झाड़ियों में छुपकर नजर रखता है और मौका देखकर उन्हें जान से मार डालता है, और इसी वजह से किलर ने उन दोनों लड़कियों को मारा था। इसके बाद एटे बताता है कि वो यहाँ इसीलिए आया है कि वो उस किलर का पता कर सके कि क्या वो अभी भी यहाँ रहता है, और अगर वो यहाँ रहता है तो वो छुपकर उन पर नजर जरूर रख रहा होगा। इसके बाद एलियस और नोरा टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें एटे की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इधर एटे और मारिया भी थोड़ी देर बात करने के बाद टेंट में जाने लगते हैं। इस दौरान मारिया को लेक की दूसरी साइड एक टॉर्च की लाइट दिखाई देती है, पर जब वो एटे को इस बारे में बताती है तो वो उसे कहता है कि यहाँ उनके अलावा कोई भी नहीं है। अब जैसे ही एटे सोने के लिए जाता है तब मारिया लेक में नहाने के लिए चली जाती है। इस दौरान मारिया को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ एलियस खड़ा हुआ है और उसे नहाते हुए देख रहा है, इसीलिए मारिया एलियस पर गुस्सा होकर वहाँ से टेंट में चली जाती है। इसके बाद जब चारों सो रहे होते हैं तब मारिया को फिर से वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए मारिया एलियस और नोरा को जगाकर इस बारे में बताती है। इस पर एलियस टेंट के बाहर चेक करने के लिए जाता है और काफी टाइम तक वापस नहीं आता, इसीलिए सभी लोगों को टेंशन होने लगती है और नोरा एलियस को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। काफी देर हो जाती है, वो नहीं आता, इससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी अचानक से एलियस वहाँ आकर उन्हें डरा देता है। इसके बाद रात में नोरा टॉयलेट के लिए बाहर जाने लगती है, साथ ही एलियस भी नोरा की सेफ्टी के लिए उसके पीछे चला जाता है। यहाँ मारिया और एटे जब बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से उनके टेंट के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी गिर जाती है, इससे मारिया बहुत डर जाती है। तब एटे उसे संभालते हुए कहता है कि एलियस लकड़ी गिराकर उन्हें फिर से डरा रहा होगा, इसीलिए एटे टेंट के बाहर चेक करने के लिए आता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। अब एटे फिर से टेंट के अंदर आ जाता है और मारिया से कहता है कि ये सब एलियस ही कर रहा है, और जब वो टेंट में आएगा तब वो उसे सबक सिखाएगा। इसी दौरान हम टेंट के बाहर किसी अनजान आदमी को आता हुआ देखते हैं जो एटे के ऊपर चाकू से अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद
मारिया एटे की मुँह से खून निकलता देख काफी डर जाती है और नोरा एलियस को हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। जब वो दोनों मारिया की आवाज को सुनते हैं तो जल्दी से टेंट के पास आ जाते हैं और एटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तभी एटे उन्हें वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन तीनों एटे को बचाने का सोचते हैं और हेल्प मांगने के लिए जंगल के बाहर जाने लगते हैं। इस दौरान नोरा गिर जाती है और उसका पैर इंजर्ड हो जाता है। इस वजह से नोरा आगे नहीं बढ़ पाती, इसीलिए वो एलियस और मारिया को अकेले ही वहां से जाने का कहती है। इसके बाद एलियस और मारिया दोनों नोरा को वहीं छोड़कर हेल्प मांगने के लिए जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एलियस मारिया से कहता है कि वो बहुत टाइम से उससे अकेले में बात करने का सोच रहा था। एलियस बताता है कि उसने मारिया की वायरल फोटो के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली थी। इससे उसे पता चला कि किसी ने भी मारिया की न्यूड फोटो क्लिक नहीं की और किसी ने उसकी इंसल्ट करने के लिए झूठी अफवाह फैलाई थी। यहाँ मारिया को एलियस की बातों पर यकीन नहीं होता। इस पर एलियस कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी न्यूड फोटो क्लिक की गई है तो कभी उस न्यूड फोटो को किसी ने देखा क्यों नहीं। साथ ही कहता है कि उस तक भी कभी वो न्यूड फोटो नहीं पहुंची और ना ही पुलिस को ऐसी कोई फोटो मिली थी। एलियस उससे बात कर ही रहा था कि अचानक से कोई पीछे से आकर एलियस पर चाकू से अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलियस को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नोरा थी। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि मारिया को लगता था कि उसकी जो न्यूड फोटो वायरल हुई थी वो एलियस ने एक पार्टी में क्लिक करके वायरल कर दी थी। इसके बाद से ही उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और बदनामी के कारण उसके फादर ने भी सुसाइड कर लिया था। इसीलिए मारिया ने डिसाइड किया था कि वो अपना बदला जरूर लेगी। इसके बाद जब नोरा ने उसे बताया कि एलियस और एटे ने उसे पिकनिक के लिए इनवाइट किया है, तब मारिया ने नोरा के साथ मिलकर एलियस और एटे को जान से मारने का प्लान बनाया था। यानी कि मारिया और नोरा खासकर इसी मकसद से पिकनिक पर आई थी। लेकिन एटे को किसने मारा ये अभी भी मिस्ट्री है, क्योंकि जब एटे पर अटैक हुआ था तब नोरा और एलियस एक साथ जंगल में थे और मारिया टेंट के अंदर थी। अब एटे पर किसने अटैक किया ये तो हम कहानी में आगे ही जानेंगे। खैर यहाँ नोरा मारिया से उन दोनों लड़कों की बॉडी को ठिकाने लगाने का कहकर सुबह होने से पहले ही घर निकलने का बोलती है ताकि किसी को भी उन पर इस मर्डर का शक ना हो। इसीलिए वो दोनों मिलकर अपने लाए हुए बैग से ड्रेस निकालकर पहन लेती हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट दोनों की बॉडी पर ना छूट सके। इसके बाद वो दोनों लड़कों की बॉडी को बैग में रखकर लेक के अंदर डाल देती हैं और जल्दी से कार में चली जाती हैं, जहां नोरा बताती है कि कार की चाबी एलियस के पास थी जो कि अब उसकी बॉडी के साथ लेक में चली गई है। अब क्योंकि दोनों के पास दूसरा रास्ता नहीं था इसीलिए वो दोनों लेक के अंदर जाकर चाबी लाने का डिसीजन लेती हैं। इसके बाद मारिया अपने कपड़े निकालकर लेक के अंदर जाती है और किसी तरह बॉडी तक पहुंचकर एलियस के पॉकेट से चाबी निकाल लेती है। अब वो दोनों कार लेकर वहां से निकल जाती हैं, जहां रास्ते में मारिया एलियस की बताई बातों के बारे में सोचने लगती है और नोरा से भी इस बारे में बात करती है। नोरा कहती है कि उसने उसकी न्यूड फोटो को देखा था, पर मारिया को अभी भी डाउट था, इसीलिए वो पूछती है कि उसे और पुलिस को वो फोटो क्यों नहीं मिली। मारिया के इतने सवाल करने पर नोरा फाइनली सच बताने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ वो सच बताती है। नोरा बताती है कि उसकी न्यूड फोटो किसी ने क्लिक नहीं की थी और इस न्यूड फोटो की अफवाह उसी ने ही वायरल की थी। ये सुनकर मारिया शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड ने ही उसे बदनाम किया था। अब मारिया नोरा से उसके साथ ऐसा करने के पीछे का कारण पूछती है, जिस पर नोरा बताती है कि स्कूल में वो एलियस से बहुत ज्यादा क्लोज होने लगी थी। साथ ही जब भी वो उससे मिलने आती थी तब वो एलियस के बारे में ही बातें करती थी, जिससे उसे लगा कि एलियस एक दिन उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा और अगर एलियस उसका बॉयफ्रेंड बन गया तो वो अपनी फ्रेंड को भूल जाएगी। इसीलिए उसने मारिया को एलियस से दूर करने के लिए प्लान बनाया और पार्टी के दौरान नोरा ने मारिया के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद नीचे जाकर नोरा ने मारिया की न्यूड फोटो वाली अफवाह को वायरल कर दिया। इसके बाद नोरा बताती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके ऐसा करने से मारिया की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और उसके फादर इस बात से सुसाइड कर लेंगे। सारी बातें जानने के बाद मारिया रोने लगती है और नोरा से कहती है कि उसके कारण दो बेकसूर लोगों की जान चली गई, लेकिन अब वो पुलिस के पास जाकर सारी सच्चाई बता देगी और दोनों लड़कों के मर्डर के बारे में भी उन्हें सब सच सच बता देगी। ये सुनकर नोरा उसे ऐसा करने से मना करती है, पर मारिया उसकी एक नहीं मानती, जिस पर नोरा गुस्से में कार में रखी हथौड़ी को मारिया के फेस पर मार देती है। इसके बाद चलती कार में दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस दौरान नोरा की नजर बीच रोड पर खड़ी एक गाड़ी पर जाती है, इसीलिए नोरा एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए कार को किसी तरह रोक देती है और मारिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम सामने खड़ी गाड़ी से एक
आदमी को उनकी ओर आता हुआ देखते हैं। असल में ये वही आदमी था जिसने एटे को मारा था। जब नोरा उस आदमी को कार के पास आता हुआ देखती है तो बहुत घबरा जाती है और मारिया को होश में लाने की कोशिश करने लगती है। जिस दौरान वो किलर अपनी टॉर्च से नोरा को देखता है और एक केबल से उनकी कार को अपनी गाड़ी से टो कर लेता है। इसके बाद किलर अपनी गाड़ी को फास्ट स्पीड में चलाकर उनकी कार को ले जाने लगता है। अब तक मारिया को भी होश आ चुका था। वो दोनों काफी डर जाती हैं और इस मुसीबत से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगती हैं। तब नोरा मारिया को किसी तरह कार के पीछे वाले गेट से नीचे कूदने का कहती है। अब जैसे ही मारिया कार के पीछे जाकर कूदने वाली होती है, अचानक उनकी कार बहुत तेजी से जंप होकर पलट जाती है। इस एक्सीडेंट के कारण मारिया और नोरा बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इसके बाद किलर फिर से उनकी कार के पास आने लगता है। ये देख मारिया नोरा को होश मिलाती है और नोरा को वहाँ से भागने का कहती है, लेकिन नोरा मारिया को वहाँ अकेला छोड़कर जाने से मना करती है। अब क्योंकि मारिया बहुत ही ज्यादा घायल थी, इसीलिए वो नोरा के साथ नहीं आ सकती थी, इसीलिए वो नोरा को भागने के लिए फोर्स करती है। इसके बाद नोरा वहाँ से जंगल की ओर भागने लगती है। ये देख किलर अपने डॉग को उसके पीछे छोड़ देता है। यहाँ उस किलर का फेस रिवील होता है और पता चलता है कि ये किलर वही है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। असल में एटे ने जो भी सारे र्यूमर्स उस किलर के बारे में सुने थे वो सारे सच थे और किलर शुरुआत से ही चारों पर नजर रख रहा था। इसके बाद हम अगले सीन में किलर को लेक के किनारे बैठे हुए देखते हैं, जहां किलर ने अपने डॉग की हेल्प से नोरा को पकड़ लिया था। यहां किलर ने उनकी कार को लेक में डुबा दिया था और दोनों को बांधकर उनके मुंह को बंद कर दिया था। इसके बाद हम किलर को उसके चाकू की धार को तेज करते हुए देखते हैं, जैसा कि मूवी की शुरुआत में उसने दोनों लड़कियों को मारने से पहले किया था। अब किलर सबसे पहले नोरा को पकड़ता है और उसे एक बंकर में डाल देता है, जहां और भी कई डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। इसके बाद किलर नोरा को तड़पाकर बुरी तरह मार डालता है और मारिया के पास आकर उसके फेस पर हाथ फेरने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किलर ने मारिया को नहीं मारा था, बल्कि उसने उसे अपने घर के बाहर छोड़ दिया था। असल में किलर ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि सारे मर्डर का इल्जाम मारिया के ऊपर आ जाए। अब क्योंकि मारिया के न्यूड फोटो के वायरल होने के बाद उसके पास फ्रेंड्स को मारने का कारण था, इसीलिए पुलिस को इन मर्डर्स के पीछे मारिया के ऊपर ही शक जाने वाला था। अब एलियस नोरा और एटे की बॉडी को बरामद कर लिया गया था और उनका इल्जाम मारिया पर जाता है। वो सबको ये बताने की कोशिश करती है कि ये उसने नहीं किया बल्कि लेक बॉडम के किलर ने किया है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता और उसे ही दोषी ठहराया जाता है और इस तरह वो मर्डरर बच जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम एक ग्रुप को उसी लेक के पास पिकनिक के लिए आते हुए देखते हैं, जहां किलर हर बार की तरह उन पर छुपकर नजर रखने लगता है, यानी कि वो ग्रुप उस किलर का नेक्स्ट टारगेट है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी 1960 की लेक बॉडम मर्डर से इंस्पायर्ड है। इसका विकिपीडिया पेज भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।